Hello everyone, welcome to Geology Concepts. I am Harsh and today we are going to talk with Mr. Swayambhu Nath Tripathi, who has scored only rank 3 in UPSC Combined Geoscience Examination to 2023. Well, in this interview, we'll mostly talk about कि क्या-क्या उनके फेलियर्स रहे हैं, कैसे उनको ओवरकम किया उनने, और क्या-क्या चीजें जो पूरा उनका एफर्ट था, वो कुछ सालों का था, तो वो पूरा एफर्ट कैसे उनने चैनलाइज करके फाइनली इस लेवल तक पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पूछनी है कि विदाउट अ बीएससी एंड एमएससी डिग्री इन जियोलॉजी, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट सो गुड मार्क्स? सो वेलकम स्वयंभू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ऑसम सक्सेस दैट यू हैव। एंड मतलब मैं उतना बोल नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत होगी, तो वही सब हम इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जी इंटरव्यू जनरली वो लोग देखेंगे जो लोग एस्पिरेंट्स हैं इस एग्जाम्स के, यस तो आपकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग हो सक होगी उनके लिए, तो उसी चीज को हम बिल्कुल थोड़ा समझना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आई वेलकम यू अगेन, और आप थोड़ा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड देन वील टॉक मोर अबाउट इट। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म टू स्पीक। सर आई हैव डन माय बीटेक सर। बीटेक किया मैंने 2011 से 15 तक, बीटेक जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था जेनेसिस इंटरनेशनल में। सैलरी वाज अराउंड 17,000 एट दैट टाइम इन ओके, मुंबई। राइट, तो मैंने सोचा कि सर इतने कम में तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा, और ग्रोथ भी ज़्यादा दिख नहीं रही थी। जीआईएस पे सर लाइडार और जीआईएस का काम था वहाँ पे। तो फिर मैंने ऑप्शंस देखे क्या कर सकता हूँ मैं। तो मुझे पता चला कि जियो फिजिक्स में गेट देके आईआईटी मिलता है। मतलब सर ऐसे मैंने फिर कॉन्टेक्ट वगैरह किया आईआईटीज में, ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या कि जियो फिजिक्स मैं अगर दूंगा बीटेक का तो मुझे एमटेक मिल जाएगा आईआईटी में। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो फिर मैंने गेट सर जॉब क्विट की, मैंने 2015 में जॉब क्विट की, और 2016 में जियो फिजिक्स से अपियर हुआ सर मैं गेट में। और उस समय फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जियो फिजिक्स सर पार्ट बी जियो फिजिक्स, जो हमारा गेट जियोलॉजी जियो फिजिक्स होता है उसका यस मेन सेक्शन जियो फिजिक्स में मेरा रैंक आ गया था फर्स्ट टाइम कितना आया जियो था? फिजिक्स से 150 के अंदर सर, 146 147 रैंक था मेरा। दैट्स गुड। तो फिर इंटरव्यू हुए सारे आईआईटीज में, इंटरव्यू सर मद्रास में दिया, बॉम्बे में दिया और कानपुर में दिया। तो मद्रास में एमटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिल रहा था मुझे, और फिर मैं सोचा आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट अच्छा है तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो एमटेक फिर पेट्रोलियम जियो साइंस ज्वाइन किया वहाँ पे। और सर उस समय कुछ रियलाइज नहीं था कि अभी भी जियोलॉजी नहीं पढ़ी थी सर मैंने 16 से 18 के बीच में। फिर एमटेक का जब फर्स्ट ईयर पास हुआ तो एमएससी के स्टूडेंट से मिला मैं कुछ वहाँ पे, तो वो बोले कि अब अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आना है तो फिर जियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। फिर पहली बार सर जियोलॉजी का सिलेबस देखा, जियोलॉजी देखा, क्योंकि एमटेक प्रोग्राम बहुत स्पेसिफिक था पेट्रोलियम पे। हाँ, तो वहाँ उसमें पे जैसे कोर्सेज थे बेल लॉगिंग, साइसमिक, माइक्रो पैलेंटोलॉजी, और जो स्टेटिग्राफी भी थी वो सिर्फ पेट्रोलियम बेसिन्स की थी वहाँ। फिर मेरा जब एमटेक कंप्लीट हुआ 2018 में, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ सर स्कूल में, ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल पुणे में। तो मैं स्कूल में एज अ मैथ्स टीचर वहाँ 2 साल पढ़ाया बच्चों को 2018 से 20 तक। वो एक्सपीरियंस और कैसा? साथ में सर वहीं से कॉन्फिडेंस मैं मोस्टली गेन किया, वो मतलब कैसे फेस करते हैं। और वहाँ से सर मेरे एक क्वालिटी जो मेरे अंदर आई, जो इंटरव्यू में मुझसे पूछे थे कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस टीचिंग जॉब, तो मैंने यही बोला था कि सर 4 इयर्स में मोर देन 5,000 पेपर करेक्ट किए होंगे मैंने बच्चों के 6 से 10 तक। तो मुझे पता था आंसर लिखते कैसे मतलब छोटे ग्रेड से बड़े ग्रेड तक। तो सर वो बहुत अच्छी चीज़ सीखी मैंने कि आंसर लिखते कैसे, क्योंकि आप एकदम बेसिक 6th ग्रेड के बच्चों का आंसर देखते हो और फिर बड़े ग्रेड तक देखते हो, तो जो चेंजेस आते हैं और उससे आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन ये तो चीज है, बहुत। और तो इस तरह की जॉब सोच के नहीं लेंगे कि अब मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा क्या, हाँ राइट? लेकिन हर जॉब से कुछ ना कुछ सर आपको सीखने को मिल जाता है। हाँ सर कॉन्फिडेंस मिला उसके बाद वहाँ पे बहुत। मतलब क्लासेस मेरी 6 to 7 क्लासेस होती थी सर, 40-50 मिनट्स की डेली, डेली मतलब डेली सर मतलब सुबह 7 बजे से मैं 2 बजे तक खड़े रह के पढ़ाता था, मतलब कंटिन्यूअसली। फिर सर कोविड आ गया 2020 में, तो फिर घर आना पड़ गया, सब ऑनलाइन हो गया था, सैलरी वगैरह रिड्यूस हो गई थी तो हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैं घर आ गया कोविड में। फिर मैंने सर स्टेट पीएससी के एग्जाम दिए यहाँ पे, जिसमें मैं मेंस लिखा था छत्तीसगढ़ पीएससी का 21 में, लेकिन मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ उसमें, प्रीलिम्स कर लिया था मैंने।
फिर भाई सर डिप्रेसिंग फेस, मेंस नहीं हुआ, सब एकदम उम्मीद लगा के बैठ गए थे स्टेट पीएससी पे निकल जाएगा। फिर मैंने वापस से सर दूसरा स्कूल ज्वाइन किया बेंगलोर में, स्कूल ओके विवेकानंद, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस था मेरे पास। अच्छा हाँ पढ़ाने का फिर वहाँ फिजिक्स पढ़ाने का, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया सर वहाँ पे, पहले मैथ्स पढ़ाता था। और सर यहाँ स्कूल विवेकानंद में मोर देन 700 स्टूडेंट्स, ग्रेड 6 से लेकर ऊपर तक, मोर देन 700, और मैं ओके अकेला फिजिक्स टीचर था उस समय। ओके वो तो फिर एक्सपीरियंस वहाँ पे 2 साल सर वहाँ पे तो मतलब अच्छा ही था एक्सपीरियंस, और बहुत हेक्टिक था। ओके मतलब फिर आप मैं जो रहता हो बिल्कुल हाँ सर फिर 2022 में मेरी शादी हुई सर, दिसंबर में लास्ट ईयर। ओके और सर शादी हुई उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और मैंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद। मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया सर मैंने शादी के बाद, विच इज मतलब उसमें तो सब काफी गट्स लगते हैं मतलब आप जॉब छोड़ने हाँ सर। में अभी रिसेंटली शादी हुई है 2 महीने पहले और जॉब छोड़ दिया। तो जब जॉब छोड़ दिया तो बहुत मतलब सेविंग इतनी हो गई थी कि बेंगलोर में मैं सर्वाइव कर सकता था इजीली। तो मैं घर नहीं आया सर मेंस के टाइम में, बेंगलोर में ही रहा। और सर इसमें जियोलॉजी कॉन्सेप्ट का रोल मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम कब आया मैं बता रहा हूँ आपको, 2018 में जब मैं घर आया था। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ सर कोई भी बीटेक और एमटेक का स्टूडेंट्स एकदम साइंस की फील्ड में स्विच करने में एक मेंटल प्रिपरेशन लगती है कि हाँ सर हाँ जो चीज पढ़ी नहीं है उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप रेडी करो मतलब नो डाउट कि कर सकते हैं बट उसके लिए अपने आप को गियर अप करना और फिर मान लो आप फेल हो गए तो उसके हाँ बाद सर हाँ बिलीव रखना कि नहीं हो जाएगा विच इज अक्रॉस डिसिप्लिन सर आप टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सो वो हाँ प्रिपरेशन फेस कैसा था कभी आपको ऐसा लगा कि रहने ही देता हूं सर मैं 2018 में जब एमटेक कंप्लीट करके स्कूल के ज्वाइनिंग के बीच में जो 2 मंथ्स थे, उस समय जब मैं घर आया था तब सर मैंने आपके वीडियोस आप यूट्यूब में डालते थे ना फ्री वीडियोस, थंबनेल लगा के जियोलॉजी इग्नियस पेट्रोलॉजी एंड ऑल, वो मैंने पहली बार देखा था आपके वीडियोस। फिर उस समय से मैंने आपसे कोर्स लिया था, आपका शायद स्टार्टिंग ही था सर, मुझे श्योर नहीं उस समय, जियोलॉजी कॉन्सेप्ट का 18-19 में। तो सर आपसे पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने उस समय से, पहले सर कुछ भी नहीं आता था जियोलॉजी में, बहुत बेसिक। और जो आता था जियोलॉजी में वो रिमोट सेंसिंग में जितना यूज होता है और जितना पेट्रोलियम में यूज होता है। पेट्रोलॉजी में मैं जैसे अपने फ्रेंड से पूछता था कि कैसे स्टार्ट करें प्रिपेयर, तो वो बोलते थे पेट्रोलॉजी के लिए विंटर पढ़ लो। अब विंटर में क्या पढ़ लें सर, 700 पेज की बुक है वो, मतलब क्या पढ़े विंटर में, आप सोच रहे हो ना सर, मतलब कुछ गाइडेंस ही नहीं, विंटर पढ़ लो। फिर मैं बोला चलो ठीक है, विंटर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर कैसे भी करके बुक आधी पढ़ी, फिर सोचा पैरेलली कोई सब्जेक्ट चलाते हैं। फिर मैंने पूछा मिनरोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो डेक्स्टर परकिंस पूरी पढ़ लो सर, एमएससी के स्टूडेंट ऐसे बोलते थे वहां पर। मुझे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ऑथर होम्स बोली पूरे पढ़ लो, ऑथर होम्स सर कोई भी नहीं पढ़ता होगा वो। मोटी हाउस इतने सारे टॉपिक्स हैं हाँ सर फिर मैं डिमोटिवेट हो गया था सर उस समय, मैं बता रहा हूँ, जो मैं सोचा कि पूरी बुक पढ़ लो, मतलब क्योंकि सर देखो बीएससी एमएससी था नहीं मेरे पास, तो कोर्स में क्या कैसे पढ़ाते हैं क्या है वो बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे लगा शायद ये पूरी ही पढ़नी पड़ती होगी। फिर आपके जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया तब सर बहुत पाथ मिल गया मेरे को कि हाँ इतना ही पढ़ना है, इतना ही रिक्वायर्ड है, पूरी बुक पढ़ के पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि उतना याद भी नहीं रहता सर। फिर वहां से आप जो जो टॉपिक पढ़ाते थे आपसे समझता था मैं, नोट्स बनाता था, और जैसे कोई चीज समझ नहीं आई तो बुक से ट्राई करता था देखने के लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जैसे अगर क्वेश्चंस आ गए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सर बाइनरी वगैरह कर्व है जैसे इग्नियस में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बुक्स वगैरह रिफर करता था उसमें, डायग्राम्स वगैरह ये। पर प्रॉपर सर ऐसे पेज बाय पेज मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी अभी तक ज्योलॉजी की, जो कि मतलब ऐसे थोड़ा सारे पेज। टॉपिक्स जितने ज्यादा हैं जियोलॉजी में अगर हाँ सबकी सर पूरी बुक पढ़ने लग जाओ तो आई थिंक वो 3-4 साल की एक्सरसाइज हो जाएगी हाँ सर तो गाइडेंस तो था, मतलब जो आपने जैसा बताया वो मेरा स्टार्टिंग फेज था सर जियोलॉजी का। फिर आपने देखा होगा मतलब मैं कोर्स परचेज में मेरा थोड़ा ब्रेक आ रहा था आपके, मैं आपको याद होगा 18 में मैंने खरीदा, मैंने पूरा सारे वीडियोस देखे, फिर जॉब सीजीपीएससी में लग गया मैं। फिर वापस से सर मैंने वापस 21 में कोर्स लिया था आपका, अगेन रिकॉर्डेड लेक्चर। फिर वहां से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से मेरा बहुत सर मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब तो मतलब मैं कर लूंगा। फिर आपके कॉल भी आते थे 21 भाई कई हाँ बार कॉल कॉल भी करता था मैं सर, मतलब 2022 में जो जीएसआई में 100 सीट्स आई थी ना, जो मैंने फॉर्म भरा था पर मुझे लगा नहीं था मैं प्रिपेयर हूँ, तो मैं देने नहीं गया था एग्जाम। फिर ओके 23 में फर्स्ट टाइम मुझे लगा मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि सर मेरा जीएस सीजीपीएससी से स्ट्रांग हो गया था, और जियोलॉजी भी अब तक बहुत स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि 3-4 ईयर्स हो चुके थे मेरे को पढ़ते हुए। तो
तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम 2023 में दिया और फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। मतलब रिजल्ट तो, मतलब कोई ये कह नहीं सकता कि आप नॉन जियोलॉजी बैकग्राउंड से हो। रैंक सुन के तो कोई हाँ नहीं, सर बट ये थोड़ा सा इंस्पायरिंग भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जियोलॉजी है, राइट। तो हाँ अब ये बताओ कि जो जियोलॉजी वाला पार्ट है वो किस तरह हाँ से, सर मतलब ऐसा था कि कुछ टॉपिक स्ट्रांग थे या कुछ टॉपिक में ज्यादा डर लगता था? हाउ डिड यू मैनेज, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं यार। हाँ सर सर मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था सर स्टेटिग्राफी को छोड़ के, क्योंकि उसमें याद बहुत करना पड़ता था और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और पैलेंटोलॉजी में जो याद और डायग्राम ड्रॉ करना, सर डायग्राम ड्रॉ करना मेंस में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने पेंसिल से ड्रॉ किए सारे डायग्राम, इरेजर यूज करना पड़ता था बार बार। जैसे एमोनाइट्स का डायग्राम आया था सर, उनका पूरा मॉर्फोलॉजी एमोनाइट्स का, तो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ और इरेज कर रहा हूँ क्योंकि उतना कमांड नहीं था ड्रॉइंग में। तो सर ऐसे मैंने पूरा मतलब ये फेस मेरा ऐसे गया। तो मतलब बाकी सारे टॉपिक्स मेरे काफी स्ट्रांग थे, बस ये जो थोड़ा याद करने वाले टॉपिक्स हैं ये थोड़ी वीक। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं जो आपका फेज, जैसे आपने शुरू किया तो जो वो वाला फेज था जिसमें आप डीमोटिवेटेड थे, तो हाँ सर उसमें हाँ सर आपका फैमिली का कुछ ओरिएंटेशन था कि वापस जॉब ज्वाइन कर लो, कब तक करोगे, ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं सर मतलब फैमिली में सर पूरा सपोर्ट किए, वो बोले हाँ प्रिपेयर कर लो जब तक कर सकते हो ट्राई करो, बट थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली वाला सर इशू था अभी। मतलब मेरे को जॉब करना सर खुद ही दिखने लग गया था कि जॉब अब करना जरूरी है घर में इनकम के लिए, तब फिर मैंने वापस से स्कूल ज्वाइन किया। ओके, तो चलो ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोसेस आपका जो रहा है वो 3-4 साल का रहा है, राइट। हाँ सर लगभग हाँ 3 तो मान सकते हैं, राइट। हाँ सर 21, 22 और 23। तो अब थोड़ा सा आते हैं कि हाउ डिड यू स्टडी, मतलब क्या था आपका दिनचर्या, क्या थी? जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ, उनको लगता है ना कि कितना पढ़ना है, 6 से 7 घंटे पढ़े हैं, हाँ तो सर हाँ क्या क्या प्रोसेस था? सर जब मैं जॉब में था तो मैं बेंगलोर में ही मोस्टली अच्छे से पढ़ाई की सर, तो मेरे जॉब शाम के 4 बजे तक, बीच में मेरी क्लासेस होती थी 6 to 7 क्लासेस। तो मेरा बस सर वहाँ पे प्लान था कि स्कूल में कैसे भी करके एटलीस्ट 2 आवर्स तो पढ़ना है, एटलीस्ट वीडियोस तो देख ही लेने, स्कूल में नोट्स घर आके बना लूँ। तो 2 आवर्स में स्कूल में अपना पढ़ लेता था, फिर आके रेस्ट करता था 4 to 5 और 4 to 6, फिर 6 से लेकर सर 10 11 तक मैं पढ़ता था इंक्लूडिंग डिनर टाइम, इतना मैं पढ़ता था क्योंकि फिर जल्दी सोना होता था सर, क्योंकि सुबह फिर 7 बजे उठना है। तो ये मेरा नॉर्मल टाइम था प्रीलिम्स तक। फिर जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया मेरा मेंस में मतलब नाम आ गया रोल नंबर, तो मैंने नेक्स्ट दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया। तब मेरा सर मोस्टली पढ़ाई ही था, मतलब क्योंकि अब डू और डाई सिचुएशन हो गई थी, शादी हो गई थी, कोई जॉब हाथ में थी नहीं। अभी ऐसा था कि जो करना है बस ये लास्ट अटेम्प्ट ही है, इसमें निकालना है, एटलीस्ट कुछ होना चाहिए हाथ में। तो सर उस समय आई थिंक मेरा हो जाता होगा सर ऑलमोस्ट दिन भर ही पढ़ा है मैंने मेंस के टाइम पे। मतलब ऑलमोस्ट 6-7 घंटे आराम से निकलते हैं। हाँ सर अच्छा, अब आते हैं उस पार्ट पे कि ये जितने टॉपिक्स हैं जियोलॉजी में, उसके लिए रेगुलर हाँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं सर देखता हूँ कि इग्नोर करते हैं। हाँ सर तो थोड़ा सा उस पे बताओ कितना इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए रिवीजन। हाँ सर सर जैसे स्टेटिग्राफी के ही टॉपिक, क्योंकि तो वो मैंने पहली बार सर अभी पढ़े मीन्स में, जो क्रेटन्स हैं, जो प्रोटोजोइक बेसिन्स हैं। तो जब मैं जैसे नोट्स बनाता था मैं, तो दिन भर नोट्स बनाया और रात में जितना दिन भर में पढ़ा है उसको 1 1.5 घंटे मेरा टारगेट होता था कि इसको देख के सोना है एकदम। तो ये मेरा पर डे का ये टारगेट था, कैसे भी मतलब जितना आज पढ़ा है उसको एक बार तो देखना है। और सर फिर एक वीकली टारगेट होता था संडे को कि जितना इस हफ्ते में पढ़ा है उसको एक बार देखना है। फिर एक 15 डेज का होता था और एक 28 डेज का, ऐसे मैंने पूरे मतलब चार्ट बना के दीवार पे चिपकाया हुआ था चीज कि इतनी चीज को रिवाइज करना है बार 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 बार। तो सर ऐसे ऐसे रिवाइज करता था। और फाइनल एग्जाम से पहले तो सर मतलब पेपर 1 का रिवीजन, पेपर 2 का टॉपिक वाइज वैसे ही चल रहा था। ओके, एंड व्हाट अबाउट नोट मेकिंग, आपके नोट्स कैसे बनते थे? सर नोट्स में अब फॉर एग्जांपल सर जैसे पैलियंटोलॉजी, वो तो अगर आप नोट्स बनाने जाओगे तो अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं तो बहुत ही लंबा जाएगा। मैंने पूरे PYQs अच्छे से एनालाइज कर लिए कि ये टॉप कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इनका रेंज कहाँ तक है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं।
तो मैंने नोट्स बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मतलब PYQs ही बनाए थे, और मेरा पैलेंटोलॉजी का नोट सर 150 पेज के आसपास ही होगा, और सारे क्वेश्चन मतलब पूरे उसमें आया कवर सिलेबस हो गए वहाँ पे पूरा आपने सब जो सब पूरा कवर पूरा। मतलब मैंने नोट सर ऐसे ही बनाए कि मैं आंसर भी ऐसे ही लिखूंगा एग्जाम ओके तो मतलब एग्जैक्टली जैसे। हाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी नोट लेते हैं। सर, जैसे मॉर्फोलॉजी पढ़ रहा हूँ किसी की, तो ऐसे ही नोट्स बनाए कि एग्जाम में मॉर्फोलॉजी आएगा तो यही लिखना है सेम टू सेम, ओके तो आपको प्रैक्टिस हो कुछ गई भी तुरंत एक्सपेक्ट। आएगा हाँ आप। सर, ऑलराइट। और वो हर टॉपिक के नोट्स आपने बनाए होंगे। हर टॉपिक कैसे। ओके ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन मेरे पास और है जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ये तीन टॉपिक हैं विच इज पेट्रोलॉजी मिनरोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो आपके लिए एकदम हाँ नए सर, हैं फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट। टाइम। हाँ अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खुद से प्रिपेयर करने में और हमारा कोर्स ज्वाइन करने में क्या डिफरेंस लगा आप? सर, जैसे स्ट्रक्चर जियोलॉजी है, अगर खुद से पढ़ोगे तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे फॉसन है, क्रिसन मेरे या बिलिंग है, तो सर ये बहुत वास्ट है और बहुत सारी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वे से तो नहीं लिखा है सर वो, तो मतलब प्रॉपर नॉलेज के लिए लिखी गई बुक्स है। अब कोर्स जब ज्वाइन किया सर तो मुझे पता था कि इतना ही पढ़ना है, जैसे फोल्ड पढ़ना है तो फोल्ड में क्या क्या पढ़ना है मुझे पता था, क्लासिफिकेशन और फोल्ड रैंप से फ्लूटे क्लासिफिकेशन इतना पता था कि हाँ यहाँ तक है और यही तक एग्जाम का भी स्कोप है GSI। तो सर वो पूरा, और नोट्स भी फिर वैसे ही बना लेता था मैं सेम टू सेम, जितना पढ़ना है बस उतना ही। तो नहीं तो सर अगर अगर गाइडेंस नहीं होता तो पता ही नहीं होता कहाँ तक पढ़ना है कितना पढ़ना है, सब सभी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती। तो कोर्स ज्वाइन करने से सर प्रॉपर गाइडेंस मिल गया कि कितना पढ़ने से आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते। राइट। तो आपका एकदम स्ट्रक्चर्ड हो गया होगा कि भाई यहां से यहां हाँ तक। सर, स्ट्रक्चर हो गया। हाँ ओके अच्छा अब बताइए कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे आपके पूरी हाँ प्रिपरेशन के टाइम मतलब आप रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हो पीछे तो क्या क्या ऐसी गलतियां हुई थी जो अगर आप फिर से करो तो वो गलतियां नहीं करोगे? सर, मतलब ये तो पर्सनल है सर मेरा कि जॉब ज्वाइन किया फिर क्विट किया, फिर अगर मैं जॉब नहीं ज्वाइन करता तब शायद मैं ये चीज़ पहले ही कर लेता 1-2 साल पहले, मतलब 2022 में मेरा हो जाता, पर मैं उस समय जॉब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया था, तो ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं बैलेंस नहीं कर पाया था वर्क लाइफ अपनी और पढ़ाई, उस समय में से बैलेंस नहीं हुई थी। और दूसरा सर, फेलियर जब हुआ था CGPSC का तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ऐसा हो गया था अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो मतलब क्या कौन सा एग्जाम दूंगा मैं, तो वो एक टाइम था उसमें मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया रिबाउंड करने में सर, ओके वापस मतलब फेब्रवरी से, हाँ फेब्रवरी से 5-6 मंथ्स लग गए मुझे, और फिर मैंने जॉब को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं निकल रहा है तो कैसे होगा। ओके तो वो मतलब आप ये कह रहे हो कि जब तैयारी करो तो एकदम फोकस अपने आपको पूरा टाइम देके तैयारी करनी चाहिए। सर मतलब आपका 80-90% अगर एग्जाम में मतलब फोकस है आपका, कोई एग्जाम क्रैक ही करना है तो आपको 80-90% टाइम तो डिवोट उसी में करना चाहिए, माइंड उसी में डिवोट करना चाहिए। बाकी सर जैसे मेरा हॉबी डांस है, मैंने डांस छोड़ा नहीं, रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करता था मैं, यूट्यूब पे भी करता था, फिर मैंने प्रोजेक्ट शिवम चैनल है मेरा, उसमें 3 लाख सब्सक्राइबर्स है, उस पर भी अब तो पूरी टीम काम करने लग गई है, वो भी मैंने कोविड में स्टार्ट किया, तो मैं वो सब भी काम करता था, मतलब क्योंकि सर उससे ना रिफ्रेशमेंट रहती है, मतलब नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा सिर्फ एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो ये काम डांस वगैरह से बहुत रिफ्रेशमेंट हो जाता है। कैसे मतलब तो आया मतलब सर डांस को मतलब पहले ही 2008-09 से स्टार्ट किया था, ऑडिशंस भी दिया था सर डांस इंडिया डांस का, फिर चक धूम धूम में भी परफॉर्म किया टेलीविजन, ओके IIT में लीड डांसर था मैं इनसिक डांस ग्रुप का, इंटर तो IITs में भी। जनरली ये होता है कि जब प्रिपरेशन में लगते हैं तो यू टेंड टू इग्नोर व्हाट योर हॉबीज आर, है ना, कि चलो ठीक है ये सब हाँ देख। सर, तो अगर आप डांस छोड़ देते थोड़ी देर के लिए या फिर नहीं छूटता है? नहीं नहीं छूटता है सर, सर वो एक पैशन होना चाहिए सर अपार्ट फ्रॉम स्टडी लाइफ में, तो आपको मतलब उस आप मोटिवेशन आता है सर। आपके रिफ्रेशमेंट के लिए वो काम करता हूँ यहाँ चलो। हाँ सर, हाँ मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करता था सर अपने पूरे प्रिपरेशन टाइम में। हाँ अच्छा आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ सिखाते भी थे? ओके सर, मैं डांस सिखाता भी था। तो मतलब काफी वेल राउंडेड पर्सनालिटी है। अच्छा हाँ ये सर, बताओ कि अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं
अच्छा, तुम साथ में गेट हाँ भी प्रिपेयर कर रहे थे कि टारगेट वाज जस्ट हाँ सर, यूपीएससी? गेट भी मैं एग्जाम्स देता था, पर सर रैंक वो वही 150 से 200 के अराउंड ही आती थी मेरी। मैंने गेट सर 3 बार क्वालिफाई किया जियोलॉजी से, लेकिन फिर पर आपको वो यूपीएससी में सर वो पीएसयू का सर मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि नोटिफिकेशन उतना फ्रिक्वेंट आ नहीं रहा था कोरोना की वजह से। दूसरा सर उसमें रैंक बहुत ही लानी पड़ती, कर पा रहा था टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर होना चाहिए, तो वो हो नहीं पा रहा था सर। अच्छा, अभी जो टूवर्ड्स द एंड आ रहे हैं, तो हाँ सर, अब मुझको ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए क्या सर आपके वॉइस ब्रेक हो गया सर। मैं कह रहा हूँ, अभी जो ये स्टूडेंट वीडियोस देखेंगे, ये वाला अपना वीडियो देखेंगे, हाँ वो सर, उनके लिए क्या मैसेज होगा तुम्हारा कि जो एस्पिरेंट्स हैं अभी, हाँ थोड़े सर, जैसे मान लो एक मतलब हो चुके हैं, अभी वो नहीं हुआ, एक बार दिया नहीं हुआ, उनके लिए क्या मैसेज है? सर ये मैसेज दे सकता हूँ मैं कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया था तब से मेंस के एग्जाम तक मेरे पास एक भी हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के नहीं थे। मैं बुक में टिक करके पढ़ रहा हूँ या फिर रफ नोट्स बनाता था सर, वीडियोस में जैसे बनते हैं ना नोट्स, तो मेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे, उस हिसाब से मैं लिख नहीं सकता था। मैंने इन 2 मंथ्स में ही पूरा जॉलजी के नोट्स बना लिए, तो अगर 5-6 मंथ्स भी है स्टूडेंट्स के पास तो बहुत इजीली सिलेबस को पूरा करके रिविजन किया जा सकता है। तो मतलब अगर 80-90% अपना टाइम कोई दिन का दे दे टाइम हाँ सर डिवाइड और करें, फोकस होके करे, तो 6-7 मंथ्स में अच्छा। फाइव हाँ सर 5 to 7 मंथ्स में ज्योलॉजी का जीएसआई का पोर्शन कंप्लीट किया जाए। ओके, अब फाइनली टुवर्ड्स द एंड मैं ये पूछूंगा कि जियोलॉजी कॉन्सेप्ट का कितना रोल था आपके इस प्रिपरेशन में, तो आप वो थोड़ा सा ब्रीफली बताओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हाँ खुद सर, से प्रिपरेशन करता है, विच इज नॉट रॉन्ग, लेकिन हाँ सर, हाँ आपके प्रिपरेशन सर, ना उसका हेल्प था, बिकॉज बीइंग फ्रॉम नॉन जियोलॉजी बैकग्राउंड। हाँ सर। तो जब मैं ज्योलॉजी पढ़ना स्टार्ट ही किया था, विंटर आपको बताया था सर, विंटर पढ़ रहा था मैं, तो उस समय नेट पे सर्च करता था कि कोई कोचिंग है क्या जिससे थोड़ा तो एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाए उस समय। तो उस समय आपका कोचिंग के बारे में पता चला था सर, इमिजिएटली परचेस किया था मैंने उस समय कोचिंग, और फिर वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया, तो सर मुझे बहुत खुशी उस समय ये हुई कि एटलीस्ट मेरे पास अब गाइडेंस आ गया सर। बिना पूरे वीडियोस देखे, मैंने उस समय वीडियोस एक दो ही देखे थे, मैं ये समझ गया कि बहुत अच्छा गाइडेंस आ गया। और आपने जिस तरीके से सर पढ़ाया, स्पेशली मैंने पहला वीडियो आपका पैथोलॉजी से स्टार्ट किया था देखने इग्नेस सर, बिल्कुल हाँ इग्नेस पैथोलॉजी, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे जो टफ टॉपिक्स थे जो उस समय मुझे टफ लगते थे, टर्नरी डायग्राम, पेरिटेक्टिक वगैरह, वो सब सर एकदम मतलब बहुत इजिली क्लियर हो गया था उस समय। तो मेरा फाउंडेशन जो बना ना सर, जो प्रॉपर बेस होता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो आपकी वजह से ही बना पूरा। ओके, और साथ में आता टेस्ट सीरीज भी ली होगी भाई। सर मेंस की टेस्ट सीरीज भी ली थी मैंने, और प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, और गेट की टेस्ट सीरीज भी ली थी, और सर जीआरपी में भी था मैं एनरोल। तो आप रेगुलरली उनको प्रैक्टिस करते रहते थे, बिकॉज हाँ सर मोस्टली मैं ये देखता मेंस हूँ की, स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं या तो वीडियोस हाँ देख, सर, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, और सोचते हैं कि लास्ट लास्ट में टेस्ट लगा लें। मैं भी कहते यस कहते सर, थक जाता हूँ कि भाई पढ़ो लगाओ, पढ़ो लगाओ। तो तुम्हारा क्या पैटर्न था? सर मैं टेस्ट सीरीज में पहले तो मैं ये सोचता था पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ लूँ, और टेस्ट सीरीज में टारगेट होता था कि जो रैंक आता है सर आपके में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, एटलीस्ट टॉप 10 में तो आना है। अगर टॉप 10 में आ गया तो सर सेटिस्फेक्शन था, अगर थोड़ा भी उधर बाहर आता था तो मैं एनालाइज करता था कहाँ कौन से क्वेश्चन में गलती हो गई, तो जहाँ मैंने गलत टिक कर दिया या गलत आंसर लिख दिया तो मैं रॉन्ग ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से देखता था, और करेक्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है उसके बारे में पढ़ता था उसके बाद ओके, नेट से या टेक्स्ट बुक से कम। तो जैसे ऐसे आप करते गए तो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट, वीडियोस देखते देखते जब आगे बढ़े तो वो पूरा दिख रहा था आपको कि हाँ अब सही हो रहा है सब। हाँ सर, उस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया टेस्ट सीरीज वगैरह यूज, और ओके, मेंस की टेस्ट सीरीज में कंप्लीट नहीं कर पाया था सर क्योंकि नोट्स ही बना, 6 टेस्ट सीरीज उसमें अपलोड किया था मैंने, लेकिन बहुत लेट हो गया था सर। नहीं ठीक है, वो तो कितना आपका वो कॉन्फिडेंस है, आपका नोट्स इतना अच्छा बन रहा है, तो मेंस की टेस्ट हाँ सीरीज सर, होती है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, राइट? लेकिन हाँ अगर आप सर, नोट्स ही वैसे बना रहे हो जो एकदम आंसर जैसे ही है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो डूइंग द हाँ जॉब, सर, है ना?
बाकी तो आई थिंक मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, मतलब मैंने जब रिजल्ट, तुम्हारा कॉल आया तो पहले तो मैं कहीं सबसे पहले आप ही को कॉल किया था सर। जब तुमने कॉल आ रहा था तब मुझे ये लग गया कि सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन जब तुमने बोला हाँ सर, ऑर्डिनेंट 3 आई है तो मैं इतना खुश था, मुझे लगा कि मतलब नॉन जियोलॉजी बैकग्राउंड से केवल पढ़ के वीडियो लेक्चर से इतना मेहनत करने के बाद तो मतलब मेरे तो अनबिलीवेबल सा लगा थोड़ा, बट मुझे लगा कि चलो। अच्छा हाँ, ये पूछा नहीं मैंने, हाउ वाज योर इंटरव्यू, वो पार्ट कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ सर, तो इंटरव्यू में जब मैं अंदर गया तो चेयरमैन ने पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे कि दैट योर हॉबीज डांस, विच टाइप ऑफ डांस यू डू। तो मैं सर बहुत कॉन्फिडेंट था, पता नहीं कैसे, जैसे भी था मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने बोल दिया पॉपिंग लिरिकल माइकल जैक्सन ब्रेक डांस आई डू। तो वो खुश हो गए, बोले कहाँ कहाँ पे, मतलब इंग्लिश में उन्होंने बोला कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया था। तो फिर मैंने अपना पूरा बताया, 2011 में टीवी में, आईआईटी में साइटेशन अवार्ड मिला है डांस के लिए। तो फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट्स रिलेटेड पूछा, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया बताओ। तो मैंने पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, फिर साउथ से स्टार्ट करके पूरा नॉर्थ तक सब कुछ कवर किया। फिर सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने ग्राउंड वाटर से पूछा मुझसे कि कन्फाइंड एक्वीफर को मैप कैसे करते हैं, तुम्हारा प्रोसीजर क्या होगा। तो फिर मैंने बोला कि पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस को मैप करके, वो तो वहाँ हो गया सर। फिर पहले मेंबर ने मुझसे पहला क्वेश्चन जो पूछा, व्हाट इज ड्रास्टिक क्लासिफिकेशन इन जीआईएस, तो सर ये मुझे पता ही नहीं था। और ये मैं आके सर्च किया, ये मतलब बहुत रिसर्च का टॉपिक था। ये सर जीआईएस में ग्राउंड वाटर के लिए यूज होने वाला एक क्लासिफिकेशन है कि ड्रेनेज रिजर्वायर कितना है, और ये सबको एक साथ कंबाइन करके, एक वेक्टर डेटा को कंबाइन करके बता। तो मैं ये आंसर नहीं कर पाया था वहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा एडास इमेजिन सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, उसका वर्जन क्या है, डेटा अपलोड कैसे करते हैं एडास में। फिर लाइडार के बारे में पूछा कि तुम जेनेसिस में काम किए हो, कौन सा सॉफ्टवेयर, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर पे पूछा। फिर उन्होंने बोला तुमने जियो फिजिक्स सेक्शन बी से गेट दिया है, तो मैंने बोला हाँ सर। तो फिर वो मुझसे पूछे ग्रेविमीटर क्या हो, तो मैंने लाकोस्ट और वुडन बताया। फिर वो मुझसे पूछे इनमें से जीरो लेंथ कौन सा, जीरो लेंथ स्ट्रिंग। तो मतलब मेरा जियो फिजिक्स में ही बहुत डीप में चला गया था सर वहाँ पे इंटरव्यू मेंबर वन में। फिर मेंबर टू पे आया सर, तो मेंबर टू ने पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा, व्हाट इज टाइप ऑफ अनकंफॉर्मिटी। मैंने जल्दी जल्दी उसका आंसर किया। फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि टेल मी अबाउट द आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूछा, क्योंकि जिस सिटी से मैं हूँ सर राजनांदगांव, यहाँ पे बहुत आर्सेनिक कंटामिनेशन है डोंगरगढ़ ग्रेनाइट की वजह से। फिर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के उन्होंने, ज्यादा हाँ हो जाता है। सर, फिर उन्होंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा था सर ये। उन्होंने बोला आर्सेनिक +3 स्टेट में और +5 स्टेट में कौन सा मोर डेंजरस होता है, तो मैंने इसका तो बोला सर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने यहाँ पे उनका मेंबर टू का हो गया, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था मेंबर टू से। फिर मेंबर थ्री ने मुझे बोला कि मैं कुछ लिखने के लिए बोलूंगा तो लिख लोगे, मैंने बोला यस सर। बोले एसिड माइन ड्रेनेज की क्वेश्चन लिखो, मेरे सामने पेपर पेंसिल था। तो मैंने सर पायराइट का फॉर्मूला लिखा FeS, और फिर वाटर के साथ करके H2SO4 ऐसे बना दिया उसको। बोले ठीक है। फिर मुझसे बोल रहे हैं डू यू नो एनी प्लेस इन इंडिया वेयर मिथेन इज गेटिंग रिलीज, देयर इज वन फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ ONGC आल्सो। तो लकीली सर मैं उस प्लेस में गया था, ज्वालाजी टेम्पल, और लकीली मैंने ONGC का बंद ऑफिस भी देखा था, थोड़ा पहले ही पड़ता है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के गया था। मैं बोला हाँ सर वो ज्वालाजी टेम्पल है, वहाँ मिथेन गैस निकलती है। तो वो बोले कि ONGC ने जो वेल ड्रिल किए थे वहां पे उनको कुछ मिला क्यों नहीं, अगर गैस निकल रही है सरफेस से। तो मैं बोला सर ये सब सरफेस मिथेन गैस ही है, वे मोस्टली लुक फॉर इथेन फॉर एन हाइड्रोकार्बन। तो वो बोले ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिया में योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, डांस डे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। फिर पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डांस अकॉर्डिंग टू यू। फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर कि सऊदी अरेबिया में मिसोजोइक ऑयल फील्ड मिलते हैं, पर इंडिया में हमको उसके बाद क्यों मिलते हैं। तो फिर मैंने सर वो बताया, इंडिया उस समय ट्रेवल कर रहा था और यूरेशियन प्लेट से फिर उसका कोलिजन हुआ, तो उतना टाइम नहीं मिला, और मोस्टली इंडिया में पेरिक्रोटोनिक बेसिन है। तो फिर उन्होंने पेरिक्रोटोनिक बेसिन के बारे में पूछा। फिर बोले टाइप 2 बेसिन कौन से हैं अभी। तो फिर मैंने केरला कोंकण लक्षद्वीप बोला, मैंने पूरा पढ़ के गया था। फिर मैंने बोला रिसेंटली इतने ब्लॉक सेल किए हैं अभी, इतना वगैरह ये सब। तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। फिर सर लास्ट में तो जब जा रहा था तो चेयरमैन बोले कैन यू शो अस वन स्टेप, तो सर थोड़ा सा कर दिया तो खुश हो गए थे। डांस किया आपने? थोड़ा सा सर कर दिया था। नहीं तो मतलब मोर और लेस आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से अच्छे ही हाँ सर बहुत अच्छा, मैं इंटरव्यू से बाहर आया सर, तो मुझे लगा एटलीस्ट।
125 130 प्लस तो मिलेगा। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। नहीं अब तो ठीक है वो तो यार, ऑल द बेस्ट। और वंस अगेन आई एम रियली हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन, आपको और आपके पूरे परिवार को। आपकी हाँ वाइफ सर, खुश होंगी, मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा हाँ रहा? सर, वो लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा था पहले, फिर बहुत खुश है अभी, बहुत ज्यादा। चलो बढ़िया। तो अभी क्या प्लान्स हैं? अभी सर ये तो डांस जो ब्रेक आया वापस से स्टार्ट करूंगा, और अभी ट्रेनिंग का वेट करेंगे सर, कब आती है ट्रेनिंग। और बाकी अभी कुछ नहीं सर, अभी तो फ्री हो गया, थोड़ा एंजॉय करूंगा सर 2 3 महीने। अच्छा हाँ, तो ठीक है, कभी आना पुणे आना तो फिर मिलेंगे भी, है ना? हाँ सर, पुणे में। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, है ना? एंड दिस हैज बीन अ वेरी गुड टॉक, और आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इंस्पिरे थोड़ा क्या, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन तुम्हारी जर्नी से मिल जाएगा। सो आई हाँ थिंक, सर, और बाकी आगे भी हम लोग ऐसे टॉक्स करते रहेंगे, सो दैट मैं भी सोच रहा था कि तुमको एक बार इन्वाइट करके स्टूडेंट से भी बात करवा दूंगा यहाँ पे, सो दैट हाँ वन सर, ऑन वन थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, तो एक वाइब से एनर्जी आती है तो वो थोड़ा सा और हाँ मोटिवेटेड। सर, सो ऑल द बेस्ट एम्बू, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, ठीक है, ऑल द थैंक यू गुड सो मच, थैंक नाइट। यू, गुड नाइट।